जोशीमठ नगर में भालू के हमलों में आई तेजी, 5 दिन में 2 लोगों को किया घायल। जोशीमठ नगर क्षेत्र में एक बार फिर से हिंसक भालुओं का आतंक शुरू हो गया है। 5 दिन में भालू नगर के 2 लोगों को घायल कर चुका है। जोशीमठ नगर के रविग्राम वार्ड में गैस गोदाम मोहल्ले का रहने वाला 36 वर्षीय रमेश डिंगरी पुत्र गोविंद प्रसाद, जो अपने खेतों में गाय को चुगा रहा था, वो बुधवार 18 अगस्त की सुबह लगभग 10:30 बजे घात लगाए भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक के सिर, आंख, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ के चिकित्सक डॉक्टर राजीव गर्ग ने बताया कि युवक को 5 टांके लगाए गए हैं और आगे के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। युवक का हालचाल देखने CHC पहुंची वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडवाल को स्थानीय लोगों के गुस्से से दो चार होना पड़ा। सभासद समीर डिमरी और सभासद अमित सती समेत कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम भुजवान ने कहा कि वन विभाग की लापरवाही के कारण नगर में लगातार भालू के हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन विभाग अपने घरों में ही कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने अब रात्रि गश्तें भी बंद कर दी है, जिस कारण से भालू बेखौफ नगर के सभी वार्डो में घूमकर लोगों को अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं। कहा कि अभी तक इस हिंसक भालू को मारने के आदेश तक वन विभाग ने अपने उच्च अधिकारियों से प्राप्त नहीं किए हैं, जो चिंताजनक है। लोगों ने कहा कि 13 अगस्त को भी रविग्राम के पेट्रोल पंप मोहल्ले में रहने वाली एक महिला को भालू ने घायल किया था, जिसके बाद भी विभाग सचेत नहीं हुआ। वहीं रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने कहा कि विभागीय गश्ती दल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बताया कि विभागीय स्तर से एक पिंजड़ा लगाने के आदेश जारी हो गए हैं और अब देर शाम तक पिंजरा लगा दिया जाएगा। कहा कि विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि घायल को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, बावजूद उन्होंने अपनी ओर से 10,000 रुपये युवक के इलाज के लिए मौके पर ही दे दिए हैं और जो राशि विभागीय नियमानुसार जारी होती है वो भी नियत समय में युवक को मिल जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि पिछला अटैक 13 तारीख की शाम को हुआ था और आज उसके ठीक 5 दिन बाद सुबह 10 बजे भालू अटैक करता है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ शहर के चारों तरफ जो भालू हैं इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा है और जिसको कि वन विभाग अभी तक पकड़ने में या उसको सूट एंड साइट करने में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी हमारी रेंजर मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हम पिंजरा लगाएंगे और भालुओं को पकड़ेंगे, जबकि उनसे पूछा गया कितने पिंजरे लगाएंगे तो उनके पास मात्र एक पिंजरा है और 12 भालू शहर के चारों ओर घूम रहे हैं। जो हमारे काश्तकार लोग हैं इन्हें खेत में भी जाना होता है और अपनी काश्तकारी के लिए खेतों में और अकेले स्थानों पर जाना होता है, तो इस तरह के यदि हमले होते रहे तो ये नगरवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और रोज आए दिन चौथे दिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इस तरह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। और आज हमारे आदेश आ चुके हैं और आज ही हम लोग पिंजरा लगा देंगे। ये दूसरा अटैक था, हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, रोज रोज अटैक हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम आज ही एक पिंजरा लगा दें और उच्च स्तर में और बात की जाएगी कि जैसे भी जो भी प्रयास होगा हम लोग अपनी तरफ से करें। हमारी तरफ से अभी प्राथमिक उपचार के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दे दिया गया है, आगे भी अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे और विभागीय तौर पर जो कागज़ हैं वो हमारी तरफ से चला दिए गए हैं और पूरी रिपोर्टिंग कर ली गई है विभागीय। डर तो आप देख ही रहे होंगे, दूसरा हमला है, इससे पहले अभी एक महिला पे अटैक किया गया था, उनकी भी बड़ी बुरी स्थिति है और आज एक युवा लड़के को भी भालू ने अटैक से घायल किया हुआ है जिसके सर पे काफी टांके लगे हैं। तो दिन दहाड़े ये घटनाएं हो रही हैं, भालू मेरे हिसाब से तो पागल हो गए हैं जो, और फॉरेस्ट वाले उनको भी देखना होगा कि 8 से 9 भालू यहाँ घूम रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनका कहना यह है अधिकारियों का कि इसमें कोई लॉ नहीं है, लॉ नहीं, तो ये मतलब शहर में इनको बाजार में छोड़ दिया जाए और ये लोगों को मारते रहे, इसमें कोई कानून चलेगा नहीं, ये बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है शहर की। और मैं फोन तब आता है जब घर जाना चाहती हूँ, उसके बाद करके क्या, और अगर ऐसे फोन करने लगे ना तो हर घर के हर घर से मालूम गुजर रहा है आपके कितने आदमी लगे। ये 4 दिन में दूसरा केस है, आज ठीक 10 बजे ये निर्धन बच्चा जंगल की तरफ निकल रहा था, घर से निकल रहा था और भालू ने इस पर अटैक कर दिया। मैं इसमें दोष जंगलात विभाग को भी नहीं देख सकता हूं, क्योंकि हमारा प्रशासन ही सोया हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो इसको शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन नहीं, हमारे
मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा सांसद बन गए, उनको भी क्षेत्र कोई चिंता नहीं है। विधायक जी को तो बिल्कुल हम लोग उनको बद्रनाथ की उपाधि दे चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ वोट के लिए अपने क्षेत्र में आते हैं। वैसे कैद अनुसार जबकि दो केस हो गया था, विधायक जी को संपत्ति देने हॉस्पिटल में आना चाहिए था, लेकिन नहीं। और रेंज ऑफिस से दस हजार में ये निर्धन, जबकि इसके सर में आंख डैमेज हो चुकी है और सिर्फ 10,000 रुपये, इससे क्या होगा? ये तो हमारी सहनशीलता, इन महिलाओं की सहनशीलता आपके प्रति, कैसी बात कर रहे हैं मैडम।